बातचीत करने के लिए, जो हमें परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए जो हमें विषय दिया है पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे के द्वारा हमें जो विषय दिया गया है बातचीत करने के लिए वो है अ डिस्पेंसर ऑफ इटर्नल वेरिटीज। हम अनंत काल की चीज़ों को बांटने वाले लोग हैं। हम अनंत काल के जीवन की बातों को बांटने वाले लोग हैं। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में परमेश्वर के साथ इस विषय पर बातें करेंगे, और जब हम इस प्रकार से बातें कर रहे होते हैं तब हमने इस पर विश्वास करते हुए, और हिंदी में अगर आप बोलना चाहते तो आपने आवाज़ के साथ ही से बोलना है, और अगर इंग्लिश में बोलना चाहते तो भी आपने ऊंची आवाज़ के साथ इसे बोलना है। डियर हेवनली फादर, आई थैंक यू फॉर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट दैट रिसाइड्स and is fully operational in me. When I show up, burdens are lifted and yokes destroyed. I am a God-carrying vessel and a dispenser of eternal verities. प्यारे स्वर्ग के पिता, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ। तूने जो मुझे अपने अंदर रहने के लिए दिया और वह पूरी तरह से मुझ में कार्य कर रहा है। जब मैं बोझ के साथ हों, वह मुझ पर प्रकट होता है मेरे बोझों को उठा लेने के लिए और मुझ पर से जुओं को नाश करने के लिए। मैं परमेश्वर को लिए हुए चलने वाला ऐसा बर्तन हूँ और अनंत काल के बातों का फैलाने वाला हूँ। आई एम अ बिग टाइम फाइनेंसर ऑफ द गॉस्पल एंड डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आर ओपन अनटू मी राइट नाउ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। मैं बड़े लंबे समय का सुसमाचार की सहायता में आर्थिक सहायता करने वाला हूँ, और मेरे लिए अवसर के दरवाजे खुले पड़े हैं। अभी इस समय भी अवसरों के दरवाजे मेरे लिए खुले पड़े हैं। अलग अलग भागों में, पृथ्वी के भागों में, अभी इस वक्त भी। आई थैंक यू फॉर द प्रिविलेज टू यूज एंड लिव इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करता हूँ ये आदर के लिए, तूने मुझे यीशु मसीह के नाम को उपयोग करना और उसमें जीने का जो आदर स्थान मुझे दिया। आई एम ऑलवेज अश्योर्ड ऑफ आंसर्स knowing that Holy Spirit immediately goes to work on my behalf. मैं हमेशा
उत्तर के लिए निश्चित रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुरंत पवित्र आत्मा मेरे तरफ से काम के लिए बढ़ चुका होता है, आगे बढ़ गया होता है। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल ब्लेसिंग। हालेलुया, धन्यवाद हो इस सुंदर आशीष के लिए। हालेलुया, आई एम नॉट हेल्पलेस बट एम्पावर्ड टू इफेक्ट चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ बाय फेथ एंड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं असहाय नहीं हूँ और फर्क करने का सामर्थ, मेरी परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ मेरे जीवन में विश्वास और यीशु के नाम से मौजूद है। इसलिए मैं बिल्कुल भी असहाय नहीं हूँ, बल्कि मैं शक्ति पाया हूँ फर्क को लाने के लिए, परिस्थितियों को प्रभावित करने के लिए। मेरे जीवन में विश्वास और यीशु के नाम से, माई फेथ इन गॉड एंड इन द पावर ऑफ हिज वर्ड prevails today and always, and I rejoice in the name of the Lord Jesus Christ। परमेश्वर में मेरा विश्वास और उसके वचनों की सामर्थ मुझे बने रहने के लिए आज और हमेशा शक्ति देती है। मैं और आनंदित रहता हूँ यीशु मसीह जो प्रभु है उसके नाम में। नथिंग इज इम्पॉसिबल अनटू मी एंड नो लेवल ऑफ सक्सेस, विक्ट्री एंड प्रोग्रेस आर अनअटेनेबल फॉर मी। कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है और कोई भी ऊंचाई की सफलता, जय और उन्नति मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं विश्वास जो वचन में है उसके साथ जीता हूँ। हालेलुया, आई एम अलाइव अनटू गॉड, एक्सेलेंस, ग्लोरी, वर्च्यू एंड सक्सेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ माई लाइफ बिकॉज द ग्रेस ऑफ गॉड इज सुपर एबंडेंट अपॉन मी। मेरे अंदर परमेश्वर है तो उसके ही कारण मैं जीवित हूँ, उत्कृष्टता, महिमा, ईश्वरीय गुण और सफलताएं, ये मेरे चिन्ह है जीवन के ऊपर, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से है जो मेरे ऊपर महान रीति से बहुतायत में आया है। आई ग्रो इन ग्रेस एंड इन द नॉलेज of my Lord and Savior Jesus Christ।
मैं अनुग्रह से बढ़ता हूँ और प्रभु के ज्ञान में और उद्धार जो यीशु मसीह से आता है, उस प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में मैं बढ़ता रहता हूँ। द ब्यूटी ऑफ गॉड इन माई स्पिरिट इज शोइंग फोर्थ ऑन द आउटसाइड evidently manifest for all to see. Blessed be God. Hallelujah. परमेश्वर की सुंदरता मेरे आत्मा में से बाहरी तौर पर दिखने में आती है और चिन्ह के साथ वो मुझ में से प्रकट होती है ताकि सब उसे देख पाए। धन्य हो परमेश्वर। हालेलुया। इस प्रकार से हमको ये बातें सब जगहों में फैलाना है, बड़ी आवाज के साथ दूर दूर तक। यीशु में यह हमको एक ऊंची आवाज में बोलने के लिए दिया गया है। एक बाढ़ की तरह यह हमें हवा के ध्वनियों में, इंटरनेट में, छपाई के द्वारा इस मसीह की सच्चाई को फैलाना है। अब हम अन्य भाषा में बातें करेंगे। यह हमें समझाते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलो में, तो हमने इसे इस प्रकार से इसका उपयोग करना है। अब हम अन्य भाषा में बातें करेंगे। रिदान एहका बर रखा लरहा असके लर बहु खुदान तखा बशाहिन तखा बर रखा लरहा सा रिद एहल लखती एहन नमका असकेल बर रखा दरहा रिदान एहका बर रखा लरहा अहत याल रो बहु रिदान एहका बशाहिन तखा बर रखा लरहा अहत किन बर रखों बर रखो सिहान तुरो ओहें तखा बशके नमक ओहता लरहा रदहे नने के हस्किल बर रखा दरहा वहित किन बकल लरहा अल्ले लखती लबहा सिहान कुल बर वे के तीन अह को पुष केन बकत्ता लरह ललख तीन नमक हस्सा वह तीन महशे लल बहासी हंस खुल बरकंसा लल बह उती लल लख सिहा लरह अवंत किर बरकंद रहसा अहिजगे बर रखे लर बहा हदे तीन नमक हा हदे ती लर बिहा को बरा रुदे हे नन में के हे भुकतान हे न नमक हा हसिस खिल बरकंद रहसा रिदान है कब शक है अहम बर खुल रह हदे ती लर बिहा को बरो को सा लल बह उश्किर बखोम शहंत खल बरकंद रहसा रहींद अहल लखासी हंस खुल बरकी आब को तन अन्य ने कैसे रिद अहल लर बहाल लल खतील लल बहा अश्केर बकोम शहंत लर हस्सा रोहित अहल हुकात इहल लर लल खतीन अन्य नमक हस्सा ब्रख लर खतीन आब को तन इन्य नमक अस्कील बरक हस्सा। प्रभु यीशु के नाम से ये बिनतियों को, प्रार्थनाओं को करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।